सीमा विवाद को लेकर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ पिछले करीब 4 महीने से चले आ रहे गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को मास्को में अपनी चीनी समकक्ष से मुलाकात की। इस बैठक में राजनाथ सिंह ने चीनी को उसकी आक्रमकता वाली गलती याद दिलाई और कहा शांति के लिए सीमा पर से सेना को तत्काल हटाना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच लगभग 2 घंटे 20 मिनट तक वार्तालाप हुई। इस दौरान राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कहा कि शांति कायम करने के लिए चीन को अपनी सेना पीछे हटानी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री के बीच हुई करीब 2.5 घंटे की बातचीत का मुख्य फोकस लंबे समय के कायम सीमा विवाद को खत्म करना और शांति बहाल करना था। पूरी बातचीत का केंद्र बिंदु पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए बीच का रास्ता निकालने पर ही टिका रहा। सहयोग संगठन SCO सदस्य देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक से इतर से मुलाकात में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष जनरल वीवी फेंग से साफ साफ कहा कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध से पहले की स्थिति कायम करें। उन्होंने साफ कहा कि शांति के लिए चीन को सेना पीछे हटानी ही होगी। बता दें कि दोनों देशों के बीच सीमा पर जारी गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री की यह पहली मुलाकात है। भारत चीन के बीच मई महीने से लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा LSE पर जारी तनाव के मुद्दे पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक ने कहा है कि अमेरिका पूरे मामले का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान की उम्मीद कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक ने कहा, हम भारत चीन सीमा पर स्थित के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। चीन पर निशाना साधते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, ताइवान से लेकर हिमालय और उससे आगे तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने पड़ोसियों को धमकाने के एक स्पष्ट और गहन पैटर्न में लगी हुई है।